पशु चिकित्सालय में गाय की मौत को लेकर गोरक्षा कमांडो फोर्स करेगा आला अधिकारियों से शिकायत, ऐसा कहना है गोरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं का। इन कार्यकर्ताओं की माने तो ये एक गाय जो कि हनुमान चौराहे पर दो दिन से पड़ी हुई थी, उसको प्रसव कराने के लिए चिकित्सालय में लेकर आए, जहां इन कार्यकर्ताओं ने कई डॉक्टरों को फोन लगाए लेकिन किसी ने भी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं इन कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब गाय को प्रसव के लिए यहां पर लाया गया था तो इस गाय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण गाय की मौत हो गई। हालांकि ये सर्वविदित है कि जिला पशु चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों की कार्यशैली किस तरह की है। अभी कुछ दिन पूर्व ही पशु चिकित्सालय में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को पुरस्कृत भी किया गया था, लेकिन उसके बाद आज इस गाय की मौत काफी सारे सवाल खड़े कर देती है, जिसका जवाब अभी भी कोई अधिकारी या डॉक्टर देने में सक्षम नहीं है। अरे भाई कल ये गाय लेके आए थे यहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए, तो डिलीवरी इनने करी नहीं और उसके अलावा इनने डिलीवरी नहीं करी और जो जैसे कि पीछे थोड़ा डैमेज हो गया। कहाँ पे लाए थे आप? 25 साल है गुना हनुमान आठ रोड। फिर क्या हुआ? तो इसको डिलीवरी करी नहीं उनने और उसके बाद इनने जो डैमेज जगह हो जाती है ना पीछे जो फट जाती जगह उसमें सिल दिया इनने, टाँके लगा दिए। टाँके लगाने के बाद गाय तरफ तरफ के डेट हो गई, खत्म हो गई। हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई करी जाएगी? इस पर हम माननीय माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे और सिटी कोतवाली में इनकी कार्रवाई करवाएंगे, सिटी कोतवाली में आवेदन देंगे। इसमें आपको क्या लगता है किन की गलती है इनमें? डॉक्टर साहब की गलती है, डॉक्टर साहब की पूरी गलती है। चौराहे पे गाय